हमने जिला कलेक्टर महोदय जो हमारे लोकप्रिय कलेक्टर है डॉक्टर भारती दीक्षित उनका एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ तो हमने आज एकीकृत महासंघ कर्मचारी महासंघ की ओर से उनका स्वागत किया, उनको बुक्का दिया और उनको मिठाई खिला के उनको शुभकामनाएं दी। साथ ही हमने आज 3 ज्ञापन भी दिए हैं उनको, जिसके अंदर एक PhD विभाग का ज्ञापन है और एक अजमेर शहर से संबंधित ज्ञापन है और एक विनायक विहार कॉलोनी है फायसागर रोड पर, उसकी मूलभूत सुविधाएं नहीं है उसके लिए भी ज्ञापन दिया है। तो PhD की जो मांग पत्र है उसके अंदर हमने ये दिया है कि जो बायोमेट्रिक जो अभी लागू की गई है अटेंडेंस, वो हमारे तकनीकी विभाग को उससे अलग रखा जाए। फीटर है हमारे, बेलदार है हमारे, जो फोरमैन है और इनको मुक्त रखा जाए। दूसरा, हमारे 6 महीने के अंदर अंदर जो लोग बाग हमारे जो रिटायर हो गए जलदाय विभाग के, उनको उनका भुगतान ग्रेजुटी और पेंशन का नहीं मिल रहा है, वो जारी किया जाए। तीसरा ये है कि 30 साल से सहायक कर्मचारियों की और वाहन चालकों की कोई भर्ती नहीं हुई है, तो उस भर्ती के लिए भी हमने ज्ञापन दिया है राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को कि वो भी भर्ती भी शीघ्र लागू करें। और विनायक विहार कॉलोनी जो है उसके अंदर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उसके अंदर राज्य कर्मचारी रहते हैं, उसके अंदर नल नहीं है, पानी नहीं है। हमने जिला कलेक्टर महोदय जो हमारे लोकप्रिय कलेक्टर है डॉक्टर भारती दीक्षित उनका एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ तो हमने आज एकीकृत महासंघ कर्मचारी महासंघ की ओर से उनका स्वागत किया, उनको बुक्का दिया और उनको मिठाई खिला के उनको शुभकामनाएं दी। साथ ही हमने आज 3 ज्ञापन भी दिए हैं उनको, जिसके अंदर एक PhD विभाग का ज्ञापन है और एक अजमेर शहर से संबंधित ज्ञापन है और एक विनायक विहार कॉलोनी है फायसागर रोड पर, उसकी मूलभूत सुविधाएं नहीं है उसके लिए भी ज्ञापन दिया है। तो PhD की जो मांग पत्र है उसके अंदर हमने ये दिया है कि जो बायोमेट्रिक जो अभी लागू की गई है अटेंडेंस, वो हमारे तकनीकी विभाग को उससे अलग रखा जाए। फीटर है हमारे, बेलदार है हमारे, जो फोरमैन है और इनको मुक्त रखा जाए। दूसरा, हमारे 6 महीने के अंदर अंदर जो लोग बाग हमारे जो रिटायर हो गए जलदाय विभाग के, उनको उनका भुगतान ग्रेजुटी और पेंशन का नहीं मिल रहा है, वो जारी किया जाए। तीसरा ये है कि 30 साल से सहायक कर्मचारियों की और वाहन चालकों की कोई भर्ती नहीं हुई है, तो उस भर्ती के लिए भी हमने ज्ञापन दिया है राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को कि वो भी भर्ती भी शीघ्र लागू करें। और विनायक विहार कॉलोनी जो है उसके अंदर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उसके अंदर राज्य कर्मचारी रहते हैं, उसके अंदर नल नहीं है, पानी नहीं है और बिजली है केवल, सड़क नहीं है, उसके अंदर सीवरेज नहीं है, तो उसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी के नाम मैडम को आज ज्ञापन दिया है।